दोस्तों ACL की सर्जरी 70 से 80 हज़ार में भी होती है और वही सर्जरी 1.5 से 2 लाख के भी बीच में होती है। तो आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, आखिर क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, क्यों इतना रेट का डिफरेंस आता है एक ही ACL की सर्जरी करने में। तो दोस्तों ACL की सर्जरी के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं, एक तो सर्जन का एक्सपर्टीज कितना है, हॉस्पिटल कैसा है, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं हॉस्पिटल की क्या उसके अंदर हमारे पास लेमिनर एयर फ्लो इस तरह की सुविधाएं जो कि इन्फेक्शन को बचाती है वो अवेलेबल है या नहीं है, ऑटोक्लेव सिस्टम कैसा है। दूसरा, सर्जिकल टेक्निक पे कॉस्ट का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम स्क्रू सर्जरी की बात करें जिसके अंदर बायो स्क्रू आते हैं, पीक स्क्रू आते हैं, बायो कंपोजिट आते हैं, टाइटेनियम आते हैं, कई तरह के स्क्रूज आते हैं जिनकी रेट अलग अलग होती है। ये स्क्रू 2000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक के आते हैं। जब हम स्क्रू सर्जरी करते हैं तो एक स्क्रू लगता है और एक ऊपर वाली हड्डी में लगता है बटन, जिसको हम बोलते हैं एंडो बटन बोल सकते हैं, टाइटो पार्टी बोल सकते हैं, टाइटो पार्टी जे बोल सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नाम हैं, पर बेसिकली दो तरह के बटन आते हैं, एक तो फिक्स लूप, एक होता है एडजस्टेबल लूप। फिक्स लूप में ग्राफ्ट और बटन के जो बीच वाला डिस्टेंस है वो पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, पहले ही बांध दिया जाता है, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। एडजस्टेबल लूप में ग्राफ्ट और बटन का जो बीच वाला डिस्टेंस है उसको आप जितने ज़्यादा धागे खींचते हो उतना वो ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इसके अंदर प्रिसीजन और जो ग्राफ की टाइटनेस है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो जब ये सर्जरी की जाती है तो स्क्रू सर्जरी की कॉस्ट आपको 70,000 से लेके 1 लाख रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक की मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्क्रू यूज़ किया गया है, कौन सा एडजस्टेबल लूप यूज़ किया गया है और कौन से हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हुई है। वहीं अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी की जाए, इसके अंदर इम्प्लांट ज़्यादा यूज़ होते हैं दोस्तों, इसके अंदर ऊपर वाले हड्डी फीमर में एक एडजस्टेबल बटन यूज़ होता है, आप इसमें फिक्स बटन यूज़ नहीं कर सकते। इसमें नीचे वाली हड्डी टीबिया में भी एडजस्टेबल लूप और एक सेपरेट एक और बटन आता है जो एडजस्टेबल लूप में फिक्स हो जाता है बाद में, वो यूज़ करना पड़ता है। तो एडजस्टेबल बटन काफ़ी कॉस्टली आता है, इसकी कॉस्ट ही 20,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के बीच में होती है एक बटन की। इसके बाद इसके अंदर जो छेद किया जाता है हड्डी के अंदर जो टनल बनाई जाती है वो बहुत छोटा होता है, वो बनाते हैं फ्लिप कटर से। तो फ्लिप कटर भी एक पेटेंटेड डिवाइस है जो सिंगल यूज़ है, इसकी कॉस्ट भी एडिशनल ऐड हो जाती है, साथ में इसमें फाइबर टेप लगता है उसकी भी एडिशनल कॉस्ट भी हो जाती है, जो ग्राफ को बांधने के लिए इसमें फाइबर वायर्स के यूज़ करते हैं उसकी भी एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है। इसीलिए इस सर्जरी की कॉस्ट आपको 1.5 लाख से 2 लाख से आसपास मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा हॉस्पिटल में रूम चूज़ करते हैं, कितने बड़े आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सर्जन की एक्सपर्टीज़ कितनी है। पर दोस्तों क्या इन दोनों के रिज़ल्ट में कोई फ़र्क है? बिल्कुल दोस्तों, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में क्योंकि इंटरनल ब्रेस आपने बनाया है, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपके जो नया लिगामेंट है जो कि अभी अभी हैमस्ट्रिंग के टेंडन से बना है, वो अभी पूरा तरह से ACL में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो अभी वीक, वो अभी हड्डी से चिपका नहीं। जब तक कि ये आपका नया लिगामेंट पूरी तरह से आपके बोन्स में चिपक नहीं जाता, उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो नहीं कर जाती, उसका लिगामेंटाइजेशन नहीं आता, तब तक फाइबर टेप उसको बचा के रखती है फर्दर डैमेज से, वो उसको लंबा नहीं होने देती, उसकी लूजनिंग नहीं होने देती, उस पर वापस रीटियर नहीं होने देती। तो ये सब चीज़ें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बचा लेता है कि आपका जो लिगामेंट है जो नया बना है ना ही उसका रीटियर होगा, ना ही वो लंबा होगा, ना ही वो फटेगा। अगर आप ऑपरेशन के बाद आपका पाँव फिसल गया 6 महीने तक या आप गिर गए तो भी इसमें दोबारा से इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बेसिकली आपके नए लिगामेंट का एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है,
और साथ में काम करता है सीट बेल्ट की तरह, जो आपको हर मुसीबत से बचाता है और आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस के बाद आपके रनिंग और बैक टू स्पोर्ट्स सिर्फ 3 महीने में चालू हो जाती है। 1 महीने में कोई बता नहीं पाता कि आपकी सर्जरी हुई है, क्योंकि आप जॉगिंग कर पा रहे हैं, सारी एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे एलीट एथलीट्स 2 से 3 वीक के अंदर वापस गेम में चले जाते हैं। आप इनका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बहुत सारे वीडियो लिंक्स डाले हैं, आप उसमें हमारे खिलाड़ियों के रिज़ल्ट देख सकते हैं कि उनकी रिकवरी आखिर कितनी जल्दी हुई है। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि रिकवरी फास्टेस्ट रहती है फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस में, और ये दुनिया भर में सारे भी जो एलीट खिलाड़ी हैं उनकी रिकवरी इतनी ही जल्दी होती है। कहना गलत होगा कि रिकवरी में बहुत टाइम लगता, नहीं दोस्तों, टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण रिकवरी फास्ट हो रही है एसीएल पेशेंट की, लोग बहुत जल्दी गेम के अंदर जा रहे हैं।